हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाते हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल में अंडा और पनीर की करी, बहुत ही टेस्टी और नए स्वाद में। तो बस शुरू करते हैं उसे बनाना। तो मैंने अंडे को पहले से ही बॉयल करके छील लिया है और इसे लेते हैं और इसे जगह जगह से कट लगा लेते हैं ताकि अंदर तक ग्रेवी इसके पहुंच जाए। तो इस तरह से सारे अंडों में हम कट लगा लेते हैं। सारे अंडों में कट लगाने के बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो हमने कर लिया है, कट लगा लिया है, तो इसे एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक पैन और गैस को ऑन करके उस पर रख लेते हैं। उसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल, सरसों ऑयल हम डाल रहे हैं, कोई भी अपने पसंद का तेल इसमें यूज करिए। और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें ले लेते हैं 1 चक्रफूल हमने लिया है, 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा लौंग लिया है 4 से 5, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है। तो हम इससे इसमें डाल देते हैं जैसे ही तेल गर्म होता है तो। और अब ले लेते हैं 1 बड़ी साइज का प्याज हमने काट के लिया है, हरी मिर्च लिया है, अदरक है और लहसुन है। तो मिर्च अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिए और इन सभी को हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसके बाद हम इन सभी चीजों को डालकर इसमें हल्का भून लेते हैं। तो जिस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे टमाटर को। तो टमाटर हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज का, उसे कट करके हम इसमें डाल लेते हैं और इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। और अब क्या करते हैं, इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। और डाल लेते हैं आधा चम्मच के हिसाब से स्वाद अनुसार अपने नमक डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे मिलाकर चलाते हुए इसे मिला लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो 3 मिनट होने के बाद हम इसे देख लेते हैं, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है टमाटर और प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इसे पका लेते हैं हल्का सा 2-3 मिनट के लिए और इसे हम उतार लेते हैं। इसे ठंडा करने के बाद हम इसे पीस के इसकी ग्रेवी बना लेंगे मिक्सर जार में पीस के। अब ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें हम डाल लेते हैं तेल। तो तेल हम डाल लेते हैं क्योंकि हमें अंडे को तलना है, फ्राई करना है। तो जैसे ही तेल गर्म होता है अंडे फ्राई कर लेते हैं। तो सारे अंडे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे, जितना मनचाहा कलर हम जब तक आ ना जाए तब तक हम इसे तल लेते हैं। और जैसे ही ये अच्छी तरह से लाल हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने सारे अंडे एक साथ ही डाल लिए हैं और इसे हम चलाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। और जैसे ही ये लाल हो जाता है हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे अंडे लाल हो चुके हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं इसे तलना है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और सारे अंडे निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम पनीर भी इसमें डालेंगे। तो इसके बाद हम पनीर भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। गैस के फ्लेम को अभी लो कर देते हैं और उसके बाद हम पनीर इसमें डाल लेंगे। पनीर डालकर भी हमें हल्का इसको हल्का सा गुलाबी कर लेना है, तल लेना है, बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा चलाते हुए हम इसे तल लेंगे। और ये हल्का सा हो चुका है लाल, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारे पनीर को निकालने के बाद तेल इसमें कढ़ाई में काफी ज्यादा है तो इसे हम कम कर लेते हैं। और तेल कम करने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, 2 बड़े साइज का प्याज हमने कट करके लिया है, इसे हम तड़का दे देते हैं। और प्याज को भी हम इसमें डाल देते हैं जीरा चटकने के बाद। और प्याज को हम भून लेंगे लाल होने तक। तो प्याज को अभी छोड़ देते हैं लो फ्लेम करके, उधर भूनता रहेगा और इधर हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम ले लेते हैं एक मिक्सर जार में और बारीक पेस्ट बना लेंगे पीस के। तो हमने पीस लिया है और इसे हम ले लेते हैं। और इधर हम प्याज देख लेते हैं, प्याज हमारा लाल हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसे हम डाल देते हैं और मिक्सर जार में लगा हुआ पानी डाल के भी हम ले लेंगे उसमें। और इस तरह से हम
मसाले को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भूनना है इसे। और इसमें हम डाल लेते हैं अब कुछ और मसाले। तो यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और अब ले लेते हैं थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने टमाटर और जो हमने भून के तैयार किया था ना ग्रेवी उसमें भी थे, तो इसलिए थोड़ा ही हमने डाला है नमक। और अब डाल लिया है हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा हमने लिया है कसूरी मेथी, तो इसे भी हम डाल देते हैं इसमें, टेस्ट इससे अच्छा आएगा। और इस तरह से चलाते हुए मसालों को हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी हमने थोड़ा सा डाल लिया था, और अब इसे हम ढक देते हैं, लो फ्लेम पे ही ये भुनेगा 2 से 3 मिनट तक इसे भुनने देते हैं। तो 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, तेल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से ये भुन चुके हैं, इसे हम चला लेते हैं। और जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं फ्राई किया हुआ पनीर और अंडे, अंडे भी हमने डाल दिया है। और अब इसमें मसालों को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, और इसमें हम मनचाहा पानी डालेंगे, यानी जितनी हमें ग्रेवी बनानी है, जितनी ग्रेवी हमें रखनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पानी इसमें हमने डाल लिया है, थोड़ा सा पानी और हमें अभी डालना है इसमें, तो इस तरह से हम संभाल के चलाते हुए मिला लेते हैं, और थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे अभी। थोड़ा सा मैंने पानी और डाल लिया है, और इस तरह से हमें इसे ढक के पका लेना है। जितनी ग्रेवी हमें रखनी है गाढ़ी पतली, उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, और इसे 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दीजिए। तो ढक देते हैं इसे पकने के लिए। 3 मिनट के बाद हम इसे फिर चेक कर लेंगे, खोल के देख लेते हैं। तो हमारी अंडे की करी पक कर तैयार है, तो ये बन चुका है, और इसे हम अब उतार लेते हैं चूल्हे से। तो ग्रेवी हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से ये गाढ़ी हो चुकी है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और इसे हम सर्व कर लेंगे सर्विंग बाउल में। तो हमने ले लिया है सर्विंग बाउल, और हम इसे सर्व कर लेते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने अंडे और पनीर की करी को बना लिया है, बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप भी इसी तरह से बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग है। तो एक बार फ्रेंड्स आप इस तरह से जरूर बनाइए अंडे की करी को पनीर के साथ, और जिस तरह से हमने मसाले तैयार किए हैं तो बिल्कुल उसी हिसाब से आप बनाइए, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने इसे सर्व कर लिया है एक बाउल में। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो इसे हम एक तरफ अभी करते हैं, और इसे हम सर्व करेंगे, इसे हम सर्व कर लेते हैं चावल और रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।